हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल एमराव। गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे पीक्यूपी इन ट्वेल्थ बाईपार्टाइट सेटलमेंट, यानी कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो स्टेग्नेशन या ग्रेजुएशन पे जो मिलेगा वो क्या है, बात करते हैं। तो ये जो लेटर जारी हुआ है ये ट्वेल्थ बाईपार्टाइट सेटलमेंट में पीक्यूपी ग्रेजुएशन पे या स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट ड्यू टू पासिंग ग्रेजुएशन या JAIIB और CAIIB अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको किस तरीके से इंक्रीमेंट दिया जाएगा उसकी बात करेंगे। तो इसमें इन्होंने बताया कि एज पर एग्जिस्टिंग प्रोविजंस यानी दोज हु आर ग्रेजुएट विल बी ग्रांटेड टू एडिशनल इंक्रीमेंट्स इन द स्केल ऑफ पे, हेंस ग्रेजुएट्स ऑन ज्वाइनिंग द बैंक विल बी फिक्स्ड इन स्टेज 3 इंस्टेड ऑफ स्टेज 1। सिमिलरली दोज हु पास्ड JAIIB एग्जामिनेशन विल बी ग्रांटेड 1 एडिशनल इंक्रीमेंट एंड दोज हु पास CAIIB examination will be granted another 2 increments. This provision has been continued in the 12th bipartite settlement also. यानी कि ये इसमें ये होता था कि 11th bipartite settlement में क्या था कि आप अगर आप क्लर्क के तौर पर अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं, अगर आप वहाँ पर JAIIB एग्ज़ाम निकाल लेते हैं और CAIIB examination निकाल लेते हैं तो आपको 3 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसी प्रोविजन को इन्होंने ट्वेल्थ बाईपार्टाइट सेटलमेंट में कंटिन्यू किया है। आगे बताते हैं, दोज हु हैव ड्रॉन सच एडिशनल इंक्रीमेंट्स फॉर ग्रेजुएशन आफ्टर रीचिंग द 20th स्टेज इन द पे स्केल्स आर एलिजिबल टू बी पेड ग्रेजुएशन पे, यानी कि या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे, यानी जिन्होंने ये जो JAIIB और ग्रेजुएशन और CAIIB भी जिन अगर इनका कंप्लीट है तो वो जो है PQP जो एडिशनल इंक्रीमेंट है उसके लिए एलिजिबल है। और ये प्रोविज़न क्या है कि ये सब स्टाफ के लिए भी है, क्लर्क के लिए भी। आगे बताते हैं कि दिस GP या ग्रेजुएशन पे या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे हैज बीन रिवाइज्ड अंडर एज पर 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट दैट इज 1 नवंबर 2022। यानी कि ये जो PQP इंक्रीमेंट है, एस्टिग्नेशन है, ये 1 नवंबर 2022 से इम्प्लीमेंट होगा या रिवाइज्ड होगा। नेक्स्ट बताते हैं कि ग्रेजुएशन पे सेल बी काउंटेड फॉर सुपर एनुएशन बेनिफिट्स दैट इज PF ग्रेचुटी पेंशन एंड NPS DA एंड HRA इज पेबल ऑन ग्रेजुएशन पे और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे। आफ्टर रीचिंग 20th स्टेज क्लरिकल यानी क्लरिकल के लिए 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में PQP कितना था, ये था ₹625 और ये 12th बाईपार्टाइट में बढ़ के हो गया 820 रुपये। सब स्टाफ के लिए यहाँ पर कुछ नहीं था लेकिन 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में इस बार सब स्टाफ के लिए भी ये लागू किया गया है। इसमें भी वही ₹820। आफ्टर 2 ईयर्स क्लर्क के लिए रहेगा 1215 ये 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में और 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में है 1640 रुपये। इसी तरीके से सेम सब स्टाफ के लिए, उसके बाद आफ्टर 3 ईयर्स 11th बाईपार्टाइट में 1835 था, अब 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में ये हो जाएगा 2460। सिमिलरली सब स्टाफ के लिए, उसके बाद आफ्टर 4 ईयर्स ये 12th बाईपार्टाइट में मिलेगा 3280 रुपीज़ एंड आफ्टर 5 ईयर्स 12th बाईपार्टाइट में 4100। अब बात करते हैं इसके उदाहरण के तौर पर, मान लेते हैं अगर एक कोई क्लर्क है जिसमें जिसके पास ग्रेजुएशन भी है और JAIIB भी है, CAIIB है एंड रीचिंग 20th स्टेज इन जनवरी 2024। अगर वो 20वें स्टेज में है जनवरी 2024 में तो उसको PQP कब मिलेगा, तो उसको मिलेगा PQP जनवरी 2025 में। जनवरी 2025 में PQ मिलेगा ₹820। नेक्स्ट अगर बात करें PQP कब मिलेगा तो ये जनवरी 2026 में इसको फर्स्ट स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट भी मिलेगा और अमाउंट रहेगा ₹1640। इसी तरीके से PQP 3 जो मिलेगा वो 2460 प्लस इन जनवरी 2027। इसी तरीके से PQ4 जो है वो 3280 एंड PQ5 4100 इन जनवरी 2029। ऐसे ही करके बढ़ता जाएगा।
अब बात करते हैं, ए क्लर्क विद ग्रेजुएशन एंड जे ए आई आई वी रीच्ड 19th स्टेज ऑन जनवरी 2024 एंड पासिस CAIIV इन फरवरी 2024। तब क्या होगा? तब के केस में इस तरीके से पी क्यू पी वन जो मिलेगा वो फरवरी 2024 में 820 रुपये, पी क्यू पी टू 1640 रुपये फरवरी 2025 में, प्लस फर्स्ट स्टेगनेशन इंक्रीमेंट रहेगा। इसी तरीके से पी क्यू थ्री, पी क्यू फोर और पी क्यू फाइव ये चलते रहेंगे। फिर बात करते हैं, एक क्लर्क विद ग्रेजुएशन एंड जे ए आई आई वी रीच्ड 20th स्टेज इन जनवरी 2024 एंड पासेस जे ए आई आई वी इन फरवरी 2024। इसके लिए पी क्यू पी वन जो रहेगा 820 उस इन फरवरी 2024 एंड प्लस फर्स्ट स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट भी मिलेगा। पी क्यू पी टू ये 1640 रुपये इन फरवरी 2025, पी क्यू पी थ्री 2460 रुपीज़ इन फरवरी 2026 एंड प्लस सेकेंड स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट। तो इस तरीके से चलेगा। उसके बाद फॉर सब स्टाफ की अगर बात करें तो फॉर दोज हु पास जे ए आई आई वी एंड सी ए आई आई वी वेन दे आर इन 19th स्टाफ और 20th स्टेज आर आफ्टर रीचिंग द 20th स्टेज, सिमिलर रूल अप्लाई फॉर पी क्यू पी 1, 2, 3 एंड स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट फ्रॉम 1st to 11th। यानी कि जो स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट चलेंगे वो 1 से लेकर 11 तक चलेंगे। द एबव आर ओनली सम इलस्ट्रेशंस। वी शुड इंश्योर दैट मैनेजमेंट ग्रांट्स पी क्यू पी स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट्स ऑन रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स। तो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।